केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया, जिसके बाद से जवानों और किसानों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अम्बाला में पूर्व सैनिकों और किसानों को सरकार का ये बजट रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई में कुछ राहत नहीं दी गई है। वहीं किसानों ने पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने और खाद के दाम को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। बजट में मुझे एक ही चीज थोड़ी बेहतर लगी है, जो कि 100 नए सैनिक स्कूल सरकार ने ऐलान किया है कि नए खोले जाएंगे। उसमें सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ सकेंगे और अच्छी एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे। ये बात मुझे बजट में अच्छी लगी है। मगर 4% डीजल के ऊपर और 2.5% जो है इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो डाला है, मेरे ख्याल में ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये आम जनता के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। आने वाले टाइम में हर चीज़ जो है वो महंगी होगी, जो कि बजट की विफलता को दर्शाएगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक ही बजट मुझे अच्छा लगा है, जो सैनिकों को राह थोड़ी दी है। बाकी पेंशनधारकों के लिए इन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा, वो भी एक राह देने वाली खबर है। बाकी कोई मेन अगर मैं कहूँ कि बजट में बहुत अच्छा बजट है, वो कहने का बनता नहीं है। खाली इसमें जो है भाषणबाजी ज़्यादा है और काम बहुत कम किया है बजट में। किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया इतना। सिंह जी, जो कि आम बजट पेश हुआ है, जिसकी आम जनता को उम्मीद थी कि जो खाने का सामान है, जैसे दालें वगैरह है और खाद्य सामग्री है, उसके ऊपर सरकार ने आम जनता के लिए कोई खास रहस्य नहीं दी। जो एक इन्होंने बजट में सैनिक स्कूल बनाने का मुद्दा उठाया कि हम 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे, वो एक राहत है। बाकी और आम जनता के लिए कोई खास, डीजल पर देखो, डीजल के ऊपर महंगाई बढ़ा दी है और आम जो जनता के ऊपर जैसे बोझ था, जैसे तेल है, तेलों में भी टैक्स बढ़ा दिया, मटर है, काबली छोले, जितनी जो हर आदमी के हर रोज़ खाने में गिनती में सामान आता है, उस पर तो महंगाई बढ़ेगी। और बजट से जो है आम जो गरीब मजदूर है, डेली कमा कर खाने वाला है, उसके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। और सरकार तो वैसे बड़े बड़े वादे करती है कि हम गरीब आदमी के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इस बजट में मेरे को तो कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आई, जो बजट के लिए उम्मीद थी। बजट में पेश ये किसानों के तो हित में नहीं है बिल्कुल भी। जो डीजल के ऊपर टैक्स लगाया है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया है, ये किसान डीजल सबसे ज़्यादा बरतता है। और अगर गाड़ियाँ वाले भी बरतते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर है, उसका अगर बढ़ेगा तो पब्लिक का ही खर्चा बढ़ेगा। इसमें पब्लिक का कोई फायदा होने वाला नहीं है, किसान तो मर। देखो, आज इसने 4% सेस इस पर डीजल पर लगाया और 2.5% पेट्रोल पर लगाया, इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं। ये इससे बल्कि और हमें तेल महंगा लाना पड़ेगा। और एक दूसरी बात है, खाद यूरिया इसके रेट महंगे ज़्यादा कर दिए और वजन कम कर दिया, इससे भी सरकार किसानों को नुकसान ही हुआ। हमारी दालें इनके इस जो इनके रेट बढ़ाई कटाई हैं, इनसे भी किसानों को नुकसान ही हुआ है। उधर कुछ किसानों ने इस आम बजट की सराहना भी की है। जींद में कई किसानों का कहना है कि सरकार का ये बजट किसानों के हित में है और इस बजट में लाए गए प्रावधान किसानों की आय बढ़ाने वाले हैं। जो केंद्र सरकार ने आज बजट पेश किया है, आम बजट जो पेश किया, इसमें किसानों के लिए, हम भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा राहत दी। जैसे 16.5 लाख करोड़ का जो ब्याज ने जो ये किसानों को कर्जा देने के लिए वो करा, तो छोटे से छोटे किसान को भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी इससे। और 22 जो फसलें हमारी जो जल्दी ख़राब होने की होती है, उनको MSP रेट पे लेने का जो उन्होंने किया है, इससे हमें किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हम उस मंडियों से बचेंगे जो लोगों से, और अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच पाएंगे, इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ ये 5 हब जो सरकार ने बनाने के वो करे है इस पूरे देश में, इससे हम अपनी फसल को अच्छे उससे दामों पे बेच पाएंगे। ये बहुत अच्छा सरकार ने इतना बढ़िया प्रावधान किया है, पहले वाली सरकारों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और पीछे भी अब इन्हीं सरकारों ने हमारे अनाज को, चावल को, गेहूं को बहुत अच्छे रेटों में लिया और जल्दी से जल्दी हमारे मतलब मंडियों में तुरंत हमारे उठवाया है। इतना अच्छा पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा हमारे साथ नहीं किया।
बता दें कि किसान आंदोलन के बीच आने वाले सरकार के इस बजट से देश की आम जनता और किसानों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का ये बजट जवानों और किसानों को रास नहीं आया है। हालांकि सरकार और भाजपा के नेता आम बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, मगर धरातल पर कई किसान बजट से नाराज दिख रहे हैं तो कुछ बजट की तारीफ कर रहे हैं। अम्बाला से अमन कपूर और जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।